हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को पता होगा हरियाणा रोडवेज की ड्राइवर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें रिटन टेस्ट हो चुका था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी। अब ड्राइवरों की भर्ती के लिए इंटरव्यू इंटरव्यू होना है, उसकी लिस्ट डाल दी गई है। ठीक है, रोल नंबर की लिस्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप देख सकते हो, आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं है ये चीज भी आप देख सकते हो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, ईबीपीजी का इंटरव्यू इसमें होगा या नहीं होगा अभी, और अभी ये फाइनल रिजल्ट अभी आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और कट ऑफ क्या क्या गई है सभी कैटेगरी की, मैं इस वीडियो में अलग अलग से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है जर्नल की। जर्नल की पोस्ट थी इसमें 734, इसकी जो कट ऑफ गई है वो है 98, 98 नंबर वाले का इसमें सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद एससी 345 पोस्ट थी एससी के लिए, इसमें शायद पता नहीं क्या है ये 20 नंबर की कट ऑफ गई है, 20 नंबर जो बहुत कम है 20 एससी के लिए। उसके बाद बीसीए की 264 वैकेंसी थी, इसकी कट ऑफ 80 गई है। उसके बाद बीसीबी की 143 पोस्ट थी, 94 गई है। ईबीपीजी की 194 पोस्ट थी, उसके लिए 56 नंबर वाली, जिसको 56 नंबर आए हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है इसमें इंटरव्यू के लिए। उसके बाद ईएसएम जनरल कैटेगरी की 143 पोस्ट थी, 34 नंबर जिसके आए हैं वो इसमें सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ईएसएम बीसीए की, उसके लिए आपकी है 41 पोस्ट थी और जिसके 84 नंबर आए थे उसको इंटरव्यू में बुलाया गया है। उसके बाद ईएसएम बीसीबी 61 पोस्ट थी, जिसको 36 नंबर आए हैं उसको बुला लिया गया है। उसके बाद अदर स्टेट पर्सन जर्नल के लिए 20 पोस्ट थी, जिसके 20 नंबर आए हैं उसको बुला लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अदर स्टेट पर्सन बीसीबी 20 पोस्ट थी, जिसको 94 नंबर आए हैं उनको बुला लिया गया है। ठीक है, ये तो थी कट ऑफ लिस्ट। अब जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो है 25 फरवरी से लेके 1 मार्च तक। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वो 21 तारीख से, 21 फरवरी से साइट पर आपको डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ईबीपीजी का जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा, अभी तो इन्होंने इंटरव्यू करा लिया है ताकि बाद में इनकी दिक्कत ना आए, और जब भी जो ईबीपीजी पर केस हुआ है वो फारिग होते ही फाइनल रिजल्ट घोषित कर दे। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ईबीपीजी का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो जो केस पेंडिंग है अभी सुनवाई होने वाली जुलाई में, उसके बाद डिक्लेयर होगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद में है जो टोटल इस भर्ती का रिजल्ट होगा, वो एक केस जो भर्ती पर चल रहा है जिसकी 15 मार्च को सुनवाई है उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये तो एक बार अपना सिस्टम पूरा तैयार करके छोड़ रहे हैं ताकि बाद में केस फारिग होते ही इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित कर दे। ठीक है, जो केस इन्होंने बताया है फाइनल रिजल्ट की भर्ती के लिए वो है CWP केस नंबर 400/2018। ठीक है, ये केस नंबर है जिसके अनुसार इसकी भर्ती जो फाइनल रिजल्ट है वो रोका जाएगा। इसकी जब सुनवाई हो जाएगी, केस फारिग हो जाएगा, तब फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस अब इंटरव्यू के लिए भी मैं इस चैनल पर कुछ क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट, तो यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब यहां से कर सकते हो इस गोल सर्कल पर क्लिक करके, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की सबसे पहले वीडियो अपने चैनल पर डाली गई थी, ठीक है, तो आगे भी मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले न्यूज आपको इस चैनल पर मिले। तो बस आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।